अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 6 है, फोर्स एंड द मोशन 2, प्रॉब्लम नंबर 31 है। हमें दो ब्लॉक्स के बारे में बताया जा रहा है जिनका वेट 3.6 और 7.2 न्यूटन है, मैसलेस स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, स्लाइड डाउन कर रहे हैं 30 डिग्री के एंगल पे। कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लाइटर ब्लॉक का 0.1 है जबकि हैवियर ब्लॉक का 0.2 है। लाइटर ब्लॉक क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, नीचे की तरफ आते हुए स्लाइड डाउन है ना, तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन बताओ ब्लॉक्स का और टेंशन इन अ टाउट स्ट्रिंग और रस्सी में जो टेंशन है वो बतानी है। फ्री बॉडी डायग्राम के लिहाज से अगर आप देखें तो ए का जो मैस है, इसे हम ए और बी का नाम दे लेते हैं, तो ए ब्लॉक ए का आपका नॉर्मल अपवर्ड होगा, वेट डाउनवर्ड होगा। अब आपके पास वेट के दो कंपोनेंट बनेंगे, अब एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल होगा, टेंशन अपवर्ड होगी। इसी तरीके से जो बी ब्लॉक है बड़े वाला, उसका नॉर्मल अपवर्ड होगा, उसमें वेट का कंपोनेंट उसके काउंटर कर रहा होगा, टेंशन उसकी रस्सी की नीचे होगी, उसमें फ्रिक्शन उसकी अपोजिट होगी। क्योंकि स्लाइड डाउन है तो दोनों की फ्रिक्शन, देखो मैंने अप हिल बनाई है, ठीक हो गया। अब पहले हम ब्लॉक ए की बात करते हैं, तो ब्लॉक ए पे कितनी वर्टिकल कंपोनेंट लगेंगे, तो आप कहेंगे एफ नॉर्मल होगा और डब्ल्यू ए कॉस थीटा होगा। तो एफ एन ए, एन फॉर नॉर्मल, ए फॉर ए, हम चूंकि मुख्तलिफ तरह की दो बॉडीज डिस्कस कर रहे हैं तो इनके साथ मेंशन कर देंगे एन ए। तो ये जनाब अब आपके पास चूंकि इस जगह फ्रिक्शन भी है एफ ए, तो हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो म्यू के ए एफ एन ए आ जाएगा। एफ एन ए की वैल्यू मालूम है तो यहां से एफ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के एफ एन की जगह लिख सकते हैं डब्ल्यू ए कॉस थीटा, तो वो मिला के यहाँ पे लिख दिया, यानी कि एफ एन की वैल्यू भी लगा दी यहाँ पे। तो अब आप वाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब आप देखोगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग टेंशन अपवर्ड है, तो अब आपके पास इसी तरह डाउन हिल मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, एक्स डाउनवर्ड की तरफ पॉजिटिव है, तो इसका ना ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब है, एफ ए भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब है, डब्ल्यू का जो साइन थीटा है यानी जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डाउन हिल है, तो जो कि पॉजिटिव कंसिडर होगा, तो इसलिए इसे मैंने पॉजिटिव लिया है। इन दोनों को क्या लिया, नेगेटिव लिया है, रिजल्टेंट एम ए के बराबर है। एफ ए की वैल्यू अब आपने समझ ली है तो ये इक्वेशन नंबर वन होगी मेरे पास। इसी तरह जब मैं ब्लॉक बी के लिए डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें भी वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ एन बी आ जाएगा, और वेट का कंपोनेंट जो डाउनवर्ड होगा डब्ल्यू बी कॉस थीटा। तो यहां से एफ एन के साथ मैंने बी डाल दिया ताकि समझ रहे डब्ल्यू ए बी कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर आप देखोगे तो टी अब आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो टी के साथ मैंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो उसके साथ माइनस आ जाएगा, और W B sin theta भी डाउनवर्ड होगा तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास। अब आप जानते हैं कि F B kinetic है तो K B आ जाएगा, म्यू K B, F N B, F N B की वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू यहाँ पे डाली जा सकती है, तो F B म्यू K B W B cos of theta बन जाएगा, वो वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब आपके पास इक्वेशन टू आ गई, वन और टू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड में ऐड हो जाएगी, जो आपके पास फैक्टर नजर आ रहा है रेड वाला ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आप चीजें इकट्ठी की जा सकती हैं, साइन थीटा वाला साइन थीटा में कॉस थीटा वाला कॉस थीटा से इकट्ठा किया जा सकता है। ए चूंकि मुश्तरका सिस्टम है तो ए एक जैसे ही होगा, तो ए कॉमन ले लिया, ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। अब मैस तो गिवन ही, वेट गिवन है, तो एम ए को वेट बना लेंगे, वेट की लैंग्वेज में लिख लेंगे, एम बी को वेट की लैंग्वेज में लिख लेंगे। अब सारी चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पता है, वेट भी पता है, थीटा भी पता है, वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। ए के लिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन थी वो भी पता थी, बी के लिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन थी वो भी पता थी, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सारी वैल्यूज हमने बीच में प्लेस की, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए की ये वैल्यू हमसे पूछा क्या जा रहा था, वो कहता था फाइंड द मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, वो तो निकाल लिया, अब क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है, तो ए पार्ट तो निकाल लिया हमने कि एक्सेलरेशन इतना है, बी पार्ट निकालना है, तो बी पार्ट के लिए मैं किसी एक इक्वेशन में प्लेस कर दूंगा, यहाँ पे टी की वैल्यू मुझे चाहिए, ए हमने निकाल लिया है, तो इन सब के अंदर हम वैल्यू प्लेस कर देंगे, सारी चीजें हमें मालूम है मास वाइज टी के, तो टी आपके पास 0.20 न्यूटन आ जाएगी, यानी कि जो ए की वैल्यू थी वो हमने इस जगह पे प्लेस की, बाकी सारी चीजें तो तकरीबन पता ही थी, तो टी नहीं पता था, तो वो टी निकल आएगा हमारे पास इतना 0.20 न्यूटन। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।